एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ बेसिक मेहंदी कोर्स लेके आपके लिए है। आज है चैप्टर 6 डे 6 और बेसिक फ्लोरल आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे हर शीट में होता है, इस शीट में भी है हमारे प्रैक्टिस का, जिसमें मैं दिखाऊंगी और कुछ शीट छोड़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा है प्रैक्टिस का शीट जिससे हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर पाए और रिमूव कर पाए। तो ये वाले जो शीट लेआउट है इसमें टोटल हम लोग 10 डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो ऊपर जो 5 बॉक्स है उसमें 5 डिज़ाइंस होंगे और नीचे के 5 बॉक्स में 5 डिज़ाइन, तो टोटल 10 डिज़ाइन हमारे होने वाले हैं। तो बट एक एक रो तो खाली है, आप सोच रहे हो, तो एक एक रो हम लोग प्रैक्टिस के लिए खाली किए हैं, ऊपर बनाएंगे नीचे छोड़ देंगे, तो जिससे आपको अगर ये शीट मिले तो आपको बनाने में सुविधा हो, ये सोच के ही हम लोग इसको रखे हैं कि जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सैम्पल इसी शीट्स में हो, अलग से शीट्स खोले अलग से सैम्पल बनाए ऐसा ना हो। तो जो फर्स्ट फ्लावर हम लोग सीखने वाले हैं वो बेसिक फ्लावर में, वो है सबसे पहले तो ये एक प्लस सीखने वाले हैं। मैम आपने बोला फ्लावर सिखाएंगे तो आपने प्लस क्यों सिखा रहे हो? प्लस करके अगर हम लोग फ्लावर स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे फ्लावर के सारे जो पेटल होते हैं वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होते हैं। आप ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही अपने को चाहिए, पूरा एक्यूरेट चाहिए नहीं, क्योंकि वो नेचर का क्रिएशन है। हम लोग एकदम बारी बार सेम टू सेम नहीं होता है, थोड़े से छोटे बड़े पेटल हम लोगों को वो चीज़ खूबसूरत बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे इसमें, ये सेंटर का ये जो सर्कल है, ये जितना गोल होगा फ्लावर की साइज उतनी बड़ी छोटी डिपेंड करेगी। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, एकदम बेसिक फ्लावर के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, स्केलप। तो ये हमारा बन रहा है स्केलप, क्योंकि हम लोग इसका प्रैक्टिस किए हैं और हमको पता है कैसे बनाना है, तो अपने बेसिक डिज़ाइंस के लिए पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्केलप। ठीक है, अभी क्योंकि मैं अपने कैमरा सेट करने के समय देखे मेरा फिंगर्स आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिदम टूट रहा है। आप लोग एक रिदम में भी कर सकते हो, बट मेरा थोड़ा सा रिदम यहाँ पे टूट रहा है, क्योंकि मुझे ध्यान रखना है कि डिज़ाइन में मेरे फिंगर्स ना आए। तो ऐसे डिज़ाइन बनाना और वीडियो के साथ बनाने में थोड़ा सा तो फ़र्क आता है, वही फ़र्क आपको दिखेगा। तो ये हो गया मेरा बेसिक फ्लावर का फर्स्ट। इससे क्या हुआ, मेरे को यहाँ से यहाँ डिज़ाइन करना था, यहाँ से यहाँ, तो मेरे जो दिमाग में था कि करते जाओ ऐसा नहीं, तो इससे मुझे क्या मिले, गाइडेंस बा एक रेफरेंस लाइन मिला कि मुझे कहाँ से क्या डिज़ाइन करना है। अब मैं करूँगी इसके ऊपर डॉट। देखिएगा अभी भी जो एलिमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पुराने एलिमेंट से ही लिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, जो है उसके साथ डिज़ाइन करना है अपने को। अब ऐसे स्टेट वो भी फ्लावर का वो ले सकते हो, थोड़ा सा कर्व भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा। ठीक है, मैं स्टेट ले रही हूँ लास्ट के। ये मेरे बन गए फर्स्ट फ्लावर, इतना इजी था ना। चलो अब बाकी फ्लावर भी सीखते हैं। तो इस फ्लावर को देख के आपको एक बॉक्स में इसको बनाना है, तो चलते हैं सेकंड वाले फ्लावर के लिए। तो इस वाले फ्लावर के लिए हम लोग स्पाइरल का इस्तेमाल किए हैं, आप चाहो तो स्केलप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बट अभी थोड़ा सा अलग डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा कर्व करके करते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, इसमें मुझे ना फ्लावर थोड़ा छोटा हो गया, कोई साइज़ छोटा कोई बड़ा, और फ्लावर का साइज़ भी बहुत छोटा हो गया बॉक्स के तुलना में। तो अपने को हम क्या कर सकते हैं इस फ्लावर को ठीक करने के लिए, अच्छे करने के लिए, हम लोग इसका सेकेंड लेयर ऐड कर सकते हैं, जिससे मेरा फ्लावर थोड़ा सा बड़ा हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे।
और जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ हुई है वो सारी छुप जाए। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी फ्लावर का लास्ट पेटल होता है उसको आपको डार्क करना होता है, ठीक है। ये जो लास्ट पेटल होता है उसको आपको डार्क करना होता है। बहुत सारे फ्लावर में शायद शेडिंग भी आएंगे, तो जब शेडिंग वाला फ्लावर सीखेंगे तब हम उसमें शेडिंग भी कर लेंगे। तो अभी जो हम लोग फ्लावर करने वाले हैं तीन नंबर वाला, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही स्पाइरल बना लेंगे। हल्के हाथों से ऊपर, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, और हल्के हाथों से, प्रेशर ज़्यादा नहीं है। पहले कर लिया, उसके बाद फिर मैंने एक रेफरेंस लिया। देखो रेफरेंस क्यों ले रहे हैं आप समझो, आपको वीडियोस में समझ में आए कि रेफरेंस से हम लोगों को क्या मदद होती है। मैं थोड़ा लाइट करके कर रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये हमारा फ्लावर बन गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ना कि ये बाहर है और ये अंदर है, इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग हाथ का काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 हमेशा होगा। मगर मेहंदी ट्रिक है, तो ट्रिक में क्या करेंगे, जैसे ये छोटा है, ये छोटा है, ये बाहर है, तो इसका जब डार्क करेंगे, हमेशा बोले हैं ना डार्क करना है आपको, तो ये बाहर से किए, और जब इसको डार्क करना है तब हम अंदर से किए, तो हमारे क्या हो गया, देखो इक्वल हो गया ना। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं चार नंबर फ्लावर शेप। तो ये है चार नंबर वाला हमारा फ्लावर। इसमें सबसे पहले हम लोग स्पाइरल बना लेंगे धीरे धीरे। उसके बाद एक वो कैप जैसा डिजाइन कर रहे हैं जिसमें एक दूसरे को ये ज्वाइन करे, ठीक है। फिर उसके ऊपर से सेम मेथड हम लोग फॉलो करेंगे सेकेंड लेयर के लिए। और ये वाला डिज़ाइन मैं थ्री लेयर में बना रही हूँ जिससे फ्लावर थोड़ा सा बड़ा हो। आप छोटे में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, बट ये थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे कि फ्लावर हमारा थोड़ा सा बड़ा लगे। और लास्ट में डार्क करना आप भूलिएगा। तो डार्क करना हमेशा हमेशा ज़रूरी है एक फ्लावर को हमेशा सुंदर दिखाने के लिए। तो जो लास्ट पॉइंट होता है उसको डार्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। सेंटर में डॉट डार्क करते हैं। तो हम पांच नंबर फ्लावर करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं हम लोग मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के लिए भी सेंटर में हम लोग स्पाइरल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ज़्यादातर फ्लावर में ना स्पाइरल इस्तेमाल होता है, क्योंकि जितना बड़ा स्पाइरल फ्लावर का साइज़ भी उतना बड़ा होता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग तो यू का इस्तेमाल करके बैठा देंगे अच्छे से। मगर ध्यान दीजिएगा, जब भी इसका सेकेंड पार्ट बना रहे एक दूसरे के मिडिल से बनाइएगा। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा एक जैसा नहीं बनेगा पेटल, ठीक है। बनाने के समय थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठाइएगा जिससे हमारी चीज़ों को सुंदर लगे और सुंदर से बैठ भी जाए। तो ये तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम इस बार थ्री लेयर में इसको बना रहे हैं।
मेरीगोल्ड को, तो आप चाहो तो 4 लेयर यूज कर सकते हो, 2 लेयर यूज कर सकते हो, यू की जगह थोड़ा वी कट में भी बना सकते हो, जैसे जिसका अच्छा लगता है डिज़ाइन। और हर समय की तरह इस बार भी मैं बोल रही हूँ कि आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट वाला जो बॉर्डर होता है हर फ्लावर का, उसको डार्क करना है। आप खुद देखिए ना, एक साइड आपको दिख रहा है उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है, एक साइड बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो हमेशा आप ये काम करना मत भूलिएगा कि आप जो भी एलिमेंट्स बना रहे हो, ठीक है, स्पेशली फ्लावर व लीव्स में, तो आप हमेशा एंड लाइन डार्क करना मत भूलिएगा। तो अभी तक हम लोग ने 4 फ्लावर सीख लिए बेसिक का, ठीक है। आप इसको अरेंज करके, डिज़ाइन करके नए नए फ्लावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें 3 चीज़ें हमने सीखी, एक रेफरेंस लेना, एक सेकंड लेयर के टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है, 3rd फ्लावर का एंड कैसे डार्क करेंगे, 4th आकर छोटा बड़ा फ्लावर हो जाता है तो उसको कैसे अरेंज करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग अलग फ्लावर बनाएंगे, जैसे रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया, लोटस हो गया, तो शुरू करते हैं। तो ये 2 फ्लावर बनाए, हम लोग रिकॉर्ड भी किए थे बट गलत फ्रेम में शूट हो गया था, इसलिए हम लोगों को वो वीडियो डिलीट करने पड़े और नए से करने पड़े। तो ये दोनों हम लोग रोज़ बनाए हैं, एक बेसिक रोज़ और एक गोल्फ स्टाइल रोज़। ये दोनों रोज़ हम लोग इस शीट में दिखा देंगे आपको, जिससे आपको करने में सुविधा हो। तो अभी हम लोग ये 6 नंबर वाला रोज़ सीखेंगे, जो 2D रोज़ है, ठीक है, बेसिक रोज़। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी हम लोग क्या किए, स्पाइरल का इस्तेमाल किया, ठीक है, सेंटर में स्पाइरल, क्योंकि जितना बड़ा स्पाइरल होगा हमारा फ्लावर उतना सुंदर होगा। तो नीचे से ये यू में हम लोग एक कप जैसा छोटा सा बनाएंगे, जिससे हमारा जो रोज़ का वो है, डेप्थ है, वो समझ में आए। उसके बाद हल्का सा 3 पेटल ऐड करेंगे, जिससे और रोज़ के अंदर का जो डेप्थ है वो समझ में आए। और फिर धीरे धीरे सेकेंड लेयर ऐड करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हल्का सा हम लोग शेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 2 लेयर है उसको अलग दिखाने के लिए। हल्का हल्का शेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्के हाथों से, एकदम थोड़े थोड़े, धीरे धीरे करके, बहुत तेज नहीं, ठीक है। तो हल्के हाथों से आप लोग लाइन शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइन शेडिंग है एकदम बेसिक शेडिंग, ठीक है, जो मेहंदी में स्टार्टिंग के डिज़ाइंस में व बेसिक के ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, हमेशा की तरह इस फ्लावर को भी हम लोग डार्क कर लेंगे। पहले जो कप के वहाँ पे है वहाँ भी डार्क होगा, और फिर इसका आउटलाइन भी डार्क होगा। तो पहले मैं आउटलाइन डार्क कर लेती हूँ, फिर अंदर का जो कप है उसको भी मैं डार्क करूँगी, जिससे हमारे फ्लावर में अच्छा सा एक डेप्थ आए। डार्क करने के समय याद रखिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, हल्के हाथों से नहीं, अच्छे से डार्क कीजिएगा। तो ये हमारा बन गया 6 नंबर वाला रोज। तो हमारा भी 87 ये, अब ये 7 नंबर वाला जो हम लोग दोनों मिला के किए हैं, गोल्फ और बेसिक, तो इसको करते हैं, फिर देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये रहा मेरा 6 नंबर वाला, तो ये हाँ करिए 7 नंबर। तो इसके लिए भी हम लोग स्पाइरल का इस्तेमाल किए हैं, और थोड़ा सा 1 सेकेंड हमारा लॉक कर लेते हैं।
तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा डार्क में लिप बनाए हैं। लिप के लिए क्या किए हैं कि तो फिर लिप्स किए हैं, और फिर सेकेंड लेयर में भी हम लोग लिप्स से एक लेयर ऐड किए हैं। और अब क्या करेंगे, इसको कवर देंगे, एकदम पतले लाइन से कवर देंगे, जिससे हमारी ये जो 3D ड्राइंग है और 2D ड्राइंग है दोनों में डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, और अब हम लोग पेटल ऐड किए हैं 2D के। हल्के से शेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे दोनों पेटल के अंदर डिफरेंट है तो समझ में। हल्के हाथों से, एकदम मैंने हमेशा बोला है शेडिंग करने के समय हल्के हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे बहुत ज़्यादा कोन में, और याद रखिएगा जब भी आप पेपर में शेडिंग करते हो आपका कोन खराब हो जाता है, तो आप अलग से कोन भी इस्तेमाल कर सकते हो शेडिंग करने के टाइम। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये दो फ्लावर डिज़ाइन हो गया है। तो आप इसको देख के कीजिएगा, मैं बार बार बोल रही, देखिए करने के समय बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हम लोग फेस करते हैं, मगर आपके लिए हम लोग हमेशा उसको ओवरकम करके नए डिज़ाइंस, नए वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। तो इस सब में मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए वीडियो में लाइक करने के लिए। मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय ये कीजिए, मगर हमेशा एक छोटे लाइक का डिमांड हमेशा करती हूँ, जिससे हम लोग इंकरेज हो सके और जो लॉन्ग रास्ता है उस पर हम लोग चल सके। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं 8 नंबर वीडियो, जिसमें हिबिस्कस बनने वाला है, तो शुरू करते हैं। हिबिस्कस के लिए एक कप जैसा, देखो यू जैसा आपको वी डेप्थ लेना है। ठीक है, पहले ये रेफरेंस लाइन बोलिए बार डिजाइन का फर्स्ट है। दूसरी बात, हम लोग पेटल जैसे बनाते हैं थोड़े बड़े बड़े से बनाएंगे, छोटे नहीं, क्योंकि आपको पता है हिबिस्कस के जो पेटल होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, और इक्वल नहीं भी होने से होगा, सेम शेप के नहीं भी होने से होगा, कोई इसमें वो नहीं है। ऊपर के 3 पेटल और बनाएंगे, वो भी सेम आप बहुत बड़े छोटे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक एवरेज में रखना, और सेंटर से डेप्थ लेके ऐसा हिबिस्कस में जो होता है हमारा जुड़ी तो वो बना लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा शेडिंग और उसके बाद डार्क कर लेना है। बहुत इजी है ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और बहुत जना इस शीट का डिमांड करते हैं मुझसे इंस्टाग्राम में, मैम ये शीट कहाँ मिलेगा। देखिए अभी तक तो मैंने सोचा नहीं था कि इस शीट को अवेलेबल होना चाहिए बा कर दे, बट हम लोग आपके बीच मतलब आपके डिमांड पे विचार करेंगे कि इस शीट को हम लोग अवेलेबल करवाए और आप लोगों को मिल जाए ये सारे डिज़ाइंस। तो हम लोग ट्राई करेंगे, अभी प्रॉमिस नहीं कर रहे, अभी जब तक पूरा वीडियो नहीं बन जाता, इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा हमारा प्रेशर रहता है, तो आप लोग थोड़ा ये कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जब वीडियोस बन जाएंगे मैं ट्राई करूँगी ये शीट भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूँ, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस करने में सुविधा हो। और कैसा लग रहा है, बार बार एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे, मेरी टीम को मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, तो हिबिस्कस में भी जब हम लोग शेडिंग कर लेते हैं उसके बाद अपने को डार्क कर देना है, और ये जो हमारा वो निकला हुआ है उसमें ना थोड़ा डॉट का इस्तेमाल करेंगे तो एकदम रियल हिबिस्कस लगेगा।
थोड़ा सा ना एस की तरह ये है, हाँ बट थोड़ा डेप्थ होगा इसमें। तो अभी हम लोग सीखेंगे लोटस। लोटस के लिए क्या करेंगे कि हल्का सा पहले लाइन खींच लेंगे, बहुत हल्का। हाँ मेरा थोड़ा डीप हो गया, सॉरी, पर थोड़ा हल्का आप लाइन खींच लोगे। हाँ उसके बाद क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको डीप, मतलब थोड़ा सा डीप बा, बड़ा बा, फूला हुआ, कुछ भी बोलो, ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसे डीप करना है। आप एक बार में कर सकते हो, हल्के हल्के ऐसे लाइन के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, है ना, आप बेसिक में हो तो ज़्यादा होना। ऐसे करके अपने एक ड्रॉप शेप ड्रॉ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ड्रॉप शेप। हाँ उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा निकालेंगे, क्योंकि पेटल है तो थोड़ा सा स्मूथ। हाँ और फिर ये फर्स्ट पेटल हम लोग ऐड कर दिए, सेकंड पेटल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकंड पेटल हमेशा थोड़ा सा नीचे से करेंगे। और ये थर्ड पैटर्न, फिर इसके थोड़े से नीचे से करेंगे। मेरे पास जो जगह है और एक पैटर्न हो जाएगा तो कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो और एक पैटर्न ऐड कर सकते हो, मैं बोली जगह है तो कर ही लेते हैं। तो ऐसे तीन पैटर्न से भी बहुत सुंदर लगता है लोटस। हाँ और फिर थोड़ा सा अपने को ऐड करना है टर्न, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन था रेफरेंस लाइन था ये तो जाएगा नहीं, और थोड़ा सा डेप्थ दिखाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा शेडिंग। और शेडिंग इसमें मैंने क्या शेडिंग इस्तेमाल किया है, राउंड शेडिंग। राउंड शेडिंग कैसे करते हैं, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे रखेंगे कोन को, घुमा घुमा के, ठीक है। देखिए तो हमारा जो रेफरेंस लाइन था वो हल्का हो गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेंटर में एक डॉट देंगे जिससे और खिल के आएगा, और लास्ट में आपको ये सब को थोड़ा सा क्या करना है, कमेंट में लिखिएगा, इसको डार्क कर देना है। तो ये बन गए हमारे लोटस। तो अभी जो हम लोग फ्लावर देखने वाले हैं, लास्ट फ्लावर, ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे, आपको जब भी बना रहे हो तो पहले क्या करेंगे हम लोग, हर फ्लावर की तरह सेंटर में एक स्पाइरल बना लेंगे, वो भी हल्के हाथों से, ठीक है। हल्के हाथों मतलब डीप कम होना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे और एक ठीक इसके उल्टे सी जगह, ठीक है, इससे इजी पड़ेगा, देखिएगा आप कीजिएगा ऐसे, बहुत इजी है, ये बना लेंगे। इसमें क्या डिफ़िकल्टी है मैम, आप बोल तो दिए डिफ़िकल्टी से क्या है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे जब दूसरा बनाते हैं पैटर्न एक दूसरे के साथ टच कर देते, क्योंकि ये बनने वाला है हमारा डार्क फ्लावर, ठीक है, फ्लावर में डार्क वाला जो फ्लावर होता है वो, ये देखिए ये गलती कर देते हैं, क्या यहाँ पे सटा देते हैं। आपको सटाना नहीं है, एक दूसरे के अंदर ये गैप क्रिएट करना है, ये गलती हो जाता है। तो ये गलती आपको क्या नहीं करना है, अगर इस एक दूसरे के साथ ये सट जाएगा तो हम जो डिज़ाइन चाहते हैं वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेंटर से इसको डबल लाइन कर देंगे, बहुत सुंदर डार्क एक फ्लावर क्रिएट होगा,
थोड़ा बहुत जो ये देख रहे हैं ना फिनिशिंग में दिक्कत हो रहा है, ये छुप जाएगा, इसीलिए आप हल्के हाथों से कर सकते हो। स्टार्टिंग में जब मैंने बोला इसको आप हल्के हाथों से कर सकते हो, इसका कारण ये भी था, ठीक है। अब तो अब क्या करना है, अब इसको डार्क कर देना है। देखिए आपके जितने आपने वो किए थे, घिस के किए थे, लाइन डबल हो गया था, वो सारे चले जाएंगे। सुंदर सा एक नेफी वाला डिज़ाइन निकल गया है। ये डार्क फ्लावर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, और बहुत सुंदर खिल के आता है। तो धीरे धीरे, हाँ कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा प्लीज़। देखिए कितना सुंदर लग रहा जो आपने वो किया था, अब आपका लाइन इधर उधर हो गया था, कुछ दिख रहा नहीं ना, बहुत सुंदर से फिनिशिंग इसमें आता है। आपको अगर थोड़ा बहुत लगे तो आप बाहर भी थोड़े बहुत एडजस्ट कर सकते हो फ्लावर को और सुंदर बनाने के लिए। तो इसके साथ हमारे टोटल 10 डिज़ाइन कंप्लीट होते हैं, जिसमें मैंने बेसिक फ्लावर से लेके हिबिस्कस, रोज, लोटस एंड डार्क फ्लावर ये सिखाया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। एक छोटे से रिकैप के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। एक छोटे रिकैप के साथ आज का क्लास एंड करेंगे। तो आज बेसिक मेहंदी कोर्स में डे 6 था, जिसपे हम लोग ने बेसिक फ्लावर्स सीखा। तो इसमें हम लोग ने 10 टाइप के फ्लावर्स सीखे, जिसमें से हमारे एकदम बेसिक फ्लावर से लेके थोड़े एडवांस फ्लावर भी हम सीखे हैं। आपको कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक के द्वारा, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बोल रही हूँ कि कीजिएगा तो हमारी एनर्जी हाई रहती है, और पूरा वीडियो देखना भूलिएगा मत। और ये मैंने हमेशा बोला है कि आपका हाथ मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली ना। तो ये वाला शीट एज यूजुअल आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग रखे हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या क्या सीखे बताना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।